हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं बालेवाड़ी में और हम देखने वाले हैं एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट जहां पे आपको मिलता है 2 और 3 BHK। ये बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट और मिटकॉन के पास सिचुएटेड है। तो अभी हम देखने वाले हैं 2 BHK का सैंपल फ्लैट, फुल्ली फर्निश्ड सैंपल फ्लैट जिसका कारपेट एरिया जाता है 794 स्क्वायर फिट। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको वीडियो डोरफोन सिस्टम मिलता है और ये है आपका मेन डोर जिसका डायमेंशन है लगभग 8 बाई 4.5 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल लॉक सिस्टम दिया है, इसको स्मार्ट लॉक भी कहते हैं, जहाँ पे आप कार्ड की और थंब से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये है मेन एंट्रेंस पैसेज। तो ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि आपका मेन डोर डायरेक्ट लिविंग डाइनिंग को नहीं खुल रहा है, एक पैसेज ऑलरेडी दिया है जिसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूजा रूम रख सकते हैं या शू रैक का स्पेस बना सकते हैं। अब ये है आपका स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग, आप देख सकते हैं फुल्ली फर्निश किया हुआ है। यहाँ पे लिविंग एरिया सेटअप दिया है जिसके ठीक सामने जो वॉल है यहाँ पे टीवी का पॉइंट रहेगा, तो टीवी यूनिट का सेटअप आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाजू में आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, ये डाइनिंग एरिया है आपका। 4 सीटर का एक डाइनिंग टेबल ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, तो ऐसे बन जाता है ये आपका लिविंग कम डाइनिंग सेक्शन। एम्पल लाइट पॉइंट्स रहेंगे पूरे घर में और आप देख सकते हैं इस वॉल पे वीडियो डोरफोन सिस्टम का स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ रहेगा। और लिविंग डाइनिंग को अटैच मिलता है आपको एक काफ़ी स्पेशियस ब्यूटीफुल बैल्कनी जो ऊपर से कवर्ड रहेगा। और इस बैल्कनी का एक और खासियत यह है कि ये 180 डिग्री बैल्कनी है, यानी 3 साइड से ओपन है। यहाँ आपको एयर वेंटिलेशन अच्छा मिलने वाला है। ये है एंटीस्किटेड टाइल्स जो बैल्कनी में, ड्राई बैल्कनी में और वॉशरूम्स में प्रोवाइडेड रहेंगे। यह है आपका बैल्कनी एरिया और यह है आपका व्यू बैल्कनी से फ्लैट के अंदर का। आप देख सकते हैं जो स्लाइडिंग डोर है ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, ये 80% नॉइस कैंसिलेशन के क्वालिटी के साथ आपको मिलता है स्लाइडिंग डोर्स, और आपको मस्क्यूटो का मेश भी मिलता है। अब हम देखते हैं किचन। किचन डाइनिंग एरिया के ठीक पीछे है, सेमी कवर्ड किचन है, ये आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप एक आइलैंड बना सकते हैं या प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं सेमी कवर, या फिर यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस जगह को आप सजा सकते हैं। और फिर अंदर आपको किचन मिलता है काफ़ी स्पेशियस, यह है 9 बाई 8 का किचन जहाँ पे आपको एल शेप्ड का ब्लैक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म मिलता है। इसका क्वालिटी भी अच्छा है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ग्लॉसी प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक सिंक रहेगा जहाँ पे PMC का 24 घंटा वाटर कनेक्शन रहेगा, और ड्राई बैल्कनी एनक्लोज किया हुआ है ताकि आप 12 महीने ये जगह को यूज़ कर सकें। समर में, रेनी सीजन में कभी कोई अड़चन नहीं आएगा आपको। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न है और ये है एक विंडो जो किचन में प्रोवाइडेड रहेगा। क्योंकि ड्राई बैल्कनी अंदर लिया है इसीलिए किचन काफ़ी स्पेशियस बन जाता है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का पॉइंट है, ऐसे बनता है आपका किचन। इसके ठीक सामने है पहला बेडरूम जो चिल्ड्रन बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम है, ये भी ठीक ठाक तरीके से फर्निश करके दिखाया हुआ है इस फ्लैट में। तो अब आप अपने हिसाब से इस जगह को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेंच स्टाइल का विंडो मिलता है, काफ़ी ह्यूज विंडो है, ऊपर से स्लाइडिंग नीचे से फिक्स्ड फ्रेंच स्टाइल विंडो, लाइट वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है ऐसा विंडो। फिर किचन चिल्ड्रन बेडरूम के ठीक अपोजिट में आपको पहला वॉशरूम मिलता है, कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे फिटिंग सारे सेम रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसिन, WC और शावर के लिए शावर एरिया, ये सब प्रोवाइडेड है।
ये वॉशरूम का डायमेंशन लगभग 8 बाई 4.5 का है। उसके बाद ये पैसेज आपको लेके जाएगा मास्टर बेडरूम के तरफ। मास्टर बेडरूम का डायमेंशन लगभग 11 बाई 12 का है। यहाँ पे आपको टीवी का पॉइंट, एसी का पॉइंट और काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी फ्रेंच स्टाइल का विंडो रहेगा। वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस दिया है और ये वॉशरूम अटैच रहेगा मास्टर बेडरूम के साथ। टाइलिंग वर्क बहुत ही बढ़िया है मास्टर वॉशरूम का। इसका डायमेंशन है 8 बाई 4.5 का। आप देख सकते हैं फिटिंग्स फिनिशिंग सब किया हुआ रहेगा वॉशरूम में। तो ऐसे बन जाता है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 800 कारपेट का, 794 स्क्वायर फिट का 2 BHK। यहाँ पे हमारे पास 3 BHK भी अवेलेबल है। इसका लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से अपकमिंग मेट्रो स्टेशन या फिर मिडकॉन कॉलेज, मिडकॉन इंस्टीट्यूट, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट सब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हाईवे भी 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है, बॉम्बे पुणे हाईवे। लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या खुद आके रहना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन ये है आपके लिए। हमारा ऑफिशियल नंबर इसके नीचे दिया हुआ है, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और आगे के भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके कॉल्स का वेट करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको रिक्वायरमेंट है उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले कुछ अच्छे वीडियोस में, कुछ अच्छे अपडेट्स में। थैंक यू सो मच।